जैसे धीरे धीरे उबल रहा है। ये लग रहा है कि आपको बिना अंडे का है? मुझे तो नहीं लग रहा। ये आपको मैं एक ऑमलेट तोड़कर दिखाता हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल बाज़ार में जैसा मिलता है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन बिना अंडे के साथ है। और मेरे चटोरों कैसे हैं आप? आज हम लोग बनाएंगे ऑमलेट बिना अंडे के। बहुत ही इजी रेसिपी है और है ना बिल्कुल बाज़ार जैसे, यानी स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे ये ऑमलेट, यानी जो वो लोग प्याज हरी मिर्च धनिया वगैरह डाल के बनाते हैं बिल्कुल वैसा। अगर आप अंडे खाते तो आप सोचेंगे ऑमलेट बिना अंडे के कैसे बन सकते हैं, ये विचार हम सभी में आता है सबसे पहले। लेकिन आप घर में एक बार ट्राई करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और टेस्ट भी बिल्कुल अंडे वाला ऑमलेट जैसा आता है और टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा है। ये रेसिपी तो भाई मेरी खुद की डेवलप की हुई रेसिपी है, मुझे बहुत शौक है ऐसी रेसिपीज बनाने का। कौन क्या करता है उसको कोने में रखते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं बनाना ऑमलेट। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे एक बोल, और बोल में डाल देंगे एक कटोरी बेसन, यानी एक कप बेसन। नॉर्मल वाला बेसन ही, यानी मोटा वाला ही बेसन है, बॉम्बे बेसन यूज़ नहीं किया है मैंने। इसमें मैं डाल दूंगा अब 1 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बहुत ज़रूरी है ये रेसिपी में, हम लोग चीला वगैरह में नहीं डालते, इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे मैदा, तो 1/3 कप है, आप समझ लीजिए 1 कप में होता है 16 चम्मच और इसमें है 6 चम्मच, तो आधा कप से थोड़ा सा कम है, तो आप आधी कटोरी से थोड़ा सा कम मैदा लीजिए। इसमें अब थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। मैंने लगभग 1 चम्मच नमक डाला है, अब मैं इसको अच्छी तरह मिला लूँगा। तो शुरू में ये जो बेकिंग पाउडर है इसको और मैदे को अच्छी तरह मिलाना ज़रूरी है बेसन के साथ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे, और एकदम पतला घोल बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि इसमें है ना लम्स ना पड़े, यानी गाँठें ना पड़े। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा और पानी डालकर एकदम पतला कंसिस्टेंसी बनाना है इसका, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं रखना है। अगर गाढ़ा रहेगा तो वो बिल्कुल चीला जैसा रह जाएगा, तो इसको बिल्कुल पतला रखना है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है हम लोग का बैटर, आपको बिल्कुल ऐसा बनाना है। अब हम लोग एक पैन गरम कर लेते हैं। अगर आपको बिना तेल के बनाना है तो आप नॉनस्टिक यूज़ कीजिए, अगर तेल के साथ बनाना है तो आप आयरन का तवा भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर एक पुराना नॉनस्टिक है, इसको मैं गरम कर रहा हूँ, और इसमें मैं लगभग 1 चम्मच जितना तेल डाल दूंगा। बाज़ार वाले तेल में ही बनाते हैं, बटर में भी बनाते हैं कुछ लोग, आप बटर भी डाल सकते हो अगर आप चाहो तो। पैन में मैंने तेल फैला दिया है थोड़ा सा। अब हम लोग इसमें 1 करछी भरकर बैटर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम मीडियम आंच पर ही रखना है, यानी आंच को मीडियम रखना है, और इसको ऐसे ही फैलाएंगे, चम्मच से बिल्कुल ना फैलाइए, ऐसे फैलाकर मीडियम आंच पर पकाइए इसको। अगर आप हाई फ्लेम में इसको पकाओगे तो सारे जो बबल्स निकलेंगे ना बेकिंग पाउडर की वजह से, वो फूट जाएंगे और ये सॉफ्ट नहीं रहेगा बिल्कुल जैसा ऑमलेट होना चाहिए। तो बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत पकाइए, लो फ्लेम पर बिल्कुल ऐसे पकाते रहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पकने लग गया है, और आप इसके कलर से भी समझ सकते हो कि कितना सॉफ्ट बना होगा, बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसको थोड़ा सा पलट कर भी 1 मिनट सेक देता हूँ मैं। तो भाइयों प्लेन वाला बनकर तो तैयार है, अब हम लोग प्याज वाला बना लेते हैं। तो मैंने उसी बैटर में थोड़ा सा प्याज मिला दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया मिला दिया है। अब वही पैन में 1 चम्मच तेल डालकर इसको बैटर को डाल देंगे और पकाएंगे। वापस ध्यान रखिए कि लो मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है। जैसे धीरे धीरे उबल रहा है, ये लग रहा है कि आपको बिना अंडे का है? मुझे तो नहीं लग रहा। तो ये ऑमलेट को एक बार पलट कर भी 1 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसको फोल्ड करके सर्व कर देंगे। ये आपको मैं एक ऑमलेट तोड़कर दिखाता हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल बाज़ार में जैसा मिलता है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन बिना अंडे के साथ है। बहुत जने तो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अंडे के साथ बना है या बिना अंडे के साथ बना है। जो भी हो आप बनाइए आपके घर पर और मेरे साथ शेयर कीजिए कि कैसा लगा आपको। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय। लेकिन उससे पहले जो नीचे वीडियो के नीचे जो मेरा नाम है ना कुकिंग शुकिंग हिंदी, उसके बगल में आपको एक लाल कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिएगा, और उसके बगल में जो घंटी है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ। नया वीडियो यानी ऐसे ही कोई नॉर्मल वाला वीडियो नहीं, ओरिजिनल रेसिपी वाला वीडियो डालूँ। बनाइए और एंजॉय कीजिए।